नमस्कार, द फ्रंट पर आपका स्वागत है और मैं हूं राणा यशवंत। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद या आसार नजर आ रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस ये दोनों दल गठबंधन में चुनाव लड़े और ये दोनों शिवसेना को समर्थन कर रहे हैं। मुंबई में आज बैठकों का दौर जारी है और दोनों दल चाहते हैं कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दिया जाए, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही हो, लेकिन उद्धव ठाकरे हों तो सबसे अच्छा है। उद्धव ठाकरे के अतिरिक्त किसी और के नाम पर यह दोनों दल सहमत हो पाए, यह बात थोड़ी मुश्किल सी दिख रही है। कल जब शरद पवार मुंबई पहुंचे तो उनके घर पर उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ पहुंचे और फिर तीनों के बीच में लंबी बातचीत हुई। इस बैठक में अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, और संजय राउत, जो शिवसेना के राज्यसभा से सांसद हैं, ये दोनों लोग भी मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, लेकिन बेहतर ये है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठें, यानी कि उद्धव ठाकरे बैठें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपको पार्टी के नेताओं से बातचीत के बाद बता दूंगा। बैठकों का दौर आज भी चल रहा है। कांग्रेस ने अपना समर्थन दे रखा है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को खत्म करने के लिए उसने शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया है। दरअसल जब से राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू हुआ उसके बाद लगभग हफ्ता भर गुजर गया था और हफ्ते भर में कांग्रेस अपना फैसला नहीं सुना पा रही थी और वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार का समर्थन महाराष्ट्र में करे या नहीं। लेकिन दो दिन पहले जब शरद पवार दिल्ली में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, और उसके पहले नरेंद्र मोदी ने एनसीपी और बीजेडी, इन दो दलों की तारीफ संसद में कार्यवाही या सांसदों के व्यवहार को लेकर के की थी, उस तारीफ और शरद पवार और नरेंद्र मोदी की बैठक दोनों को जोड़ करके कांग्रेस के हलके में एक नए नज़रिए से देखा जा रहा था और कुछ कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी शरद पवार के समर्थन से अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाना और चलाना चाहते हों। यानी कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में एनसीपी के समर्थन से बन सकती है, यह बात हवा में तैरने लगी थी उस बैठक के बाद जो नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के साथ की थी। वैसे उस बैठक में इस बात का जिक्र हुआ था कि पवार ने जो किसान हैं महाराष्ट्र के, उनकी हालत और किसानों के लिए कुछ करने के लिए निवेदन करने की खातिर प्रधानमंत्री के पास गए थे, उनसे बैठक की थी उनके साथ। लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है और जो अंदर खाने बात होती है, दोनों में कभी कभी जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक वैसे ही जैसे शरद पवार ने सोनिया गांधी के साथ लंबी बातचीत की थी नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले और कहा था कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर के कोई चर्चा हुई ही नहीं। इतनी लंबी बातचीत, महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य सरकार बनाने का मसला फंसा पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लागू है और पवार साहब के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि सरकार वहाँ बनेगी या नहीं बनेगी, और वो कांग्रेस जिसका समर्थन बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस की आलाकमान वहाँ की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं और मिलने के बाद कहें कि बातचीत में महाराष्ट्र का जिक्र नहीं हुआ, यह बात समझ से परे है और मानने से भी परे है। इसलिए राजनीति एक अलग तरह का खेल है। कांग्रेस को यह जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और वोटर को कि उसने शिवसेना का समर्थन क्यों किया। कट्टर हिंदुत्व की नीति पर चलने वाली पार्टी शिवसेना, बाबरी मस्जिद हाने का दावा करने वाली शिवसेना, सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करने वाली शिवसेना के साथ सरकार बनाने का मतलब यह है कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों के बीच में एक समझौता होगा कि ना हम अपना दायरा पार करेंगे और ना ही आप अपना दायरा पार करेंगे, एक दायरे में रहेंगे। और यह जो समझौता है वह उन मसलों को नहीं छेड़ने का समझौता है जिन मसलों पर बात बिगड़ सकती है। उधर झारखंड में नितिन गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो प्रचार करने के लिए गए थे। उन्होंने एक रैली में कहा था कि ये बेमेल जोड़ा है जो शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी का है, कांग्रेस और एनसीपी के बीच में 7 से 8 महीने तक की सरकार चलेगी, उसके बाद तो सरकार चल ही नहीं सकती है क्योंकि दोनों की रीति नीति में जमीन आसमान का अंतर है और यह अंतर ही दोनों के रास्ते अलग कर देगा।
तो फिर पूछा गया कि उसके बाद बीजेपी क्या वहाँ सरकार बनाएगी शिवसेना के साथ। उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, उस समय पार्टी अपना फैसला करेगी, बैठ करके निर्णय करेगी। लेकिन आज की तारीख में मुंबई में बैठकों का दौर जारी है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता लगातार परामर्श कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो लक्ष्मण रेखा है शिवसेना के लिए और कांग्रेस के लिए, वो तय होना बाकी रह गया होगा, वो तय हो रहा होगा। और मुख्यमंत्री, मुझे पूरा यकीन है, जो अंदर खाने से मेरे पास खबर है, कि उद्धव ठाकरे इस बात के लिए राजी होंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी अगुवाई में एक साझा सरकार बनेगी। उस साझा सरकार में कांग्रेस और एनसीपी दोनों दल होंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ देर का मामला है,